नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में चढ़ने लगा है पारा, जानिए बिहार के सभी जिलों का क्या है तापमान। ठंड के मौसम अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन सूर्य की किरणों से अब यह एहसास होने लगा है कि गर्मी ने दस्तक दे दी है। यूं तो होली तक हल्की हल्की ठंड रहती थी, लेकिन जिस तरह से तापमान में वृद्धि हुई है उससे तो यह साफ लगने लगा है कि इस बार गर्मी अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ डालेगी। फरवरी महीने में ही गर्मी ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं बिहार के उन सभी जिलों के बारे में जहां इस पूरे सप्ताह मौसम का कैसा रहा मिजाज। बिहार को जलवायु के क्षेत्र के हिसाब से हमने 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा है, जिसमें उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार, और अब हम एक एक कर जानेंगे इस सारे क्षेत्रों के बारे में। वहीं अगर हम उत्तर पश्चिम बिहार की बात करें तो इसके अंदर आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि 1 मार्च को क्या रहेगी स्थिति, तो इसमें कोई चेतावनी को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया। लेकिन हाँ, अगर हम तापमान की बात करें तो 32 से 34 डिग्री अधिकतम तापमान की बात की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 29 डिग्री की बात की गई है। वहीं अगर हम 2 मार्च की बात करें इन्हीं जिलों की, तो उसमें 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर की बात की गई है। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 से 16 डिग्री की बात की गई है। वहीं अगर हम 3 मार्च की बात करें तो 31 से 33 डिग्री तापमान अधिकतम होगी और न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक होगा। वहीं अगर हम 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च की जो अधिकतम तापमान बताई गई है वह 32 से 34 डिग्री है और न्यूनतम तापमान की जो बात की गई है वह 15 से 17 डिग्री तक की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा कि आगे के 2 दिनों तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि किसी तरह की आंधी पानी की कोई सूचना नहीं दी गई है। वहीं अगर हम अब दूसरे क्षेत्र की बात करें तो उत्तर मध्य बिहार की अगर हम बात करें तो इसमें अगर जो जिले आते हैं वह है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर। इसमें अगर मौसम विभाग की सूचना को अगर हम देखें, उसकी चेतावनी को लेकर अगर हम देखें, तो चेतावनी में भी लिखा गया है कि कोई चेतावनी नहीं है। वहीं अगर हम 1 मई की बात करें तो 1 मई का जो तापमान है वह है 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर और न्यूनतम तापमान जो है वह 17 से 19 डिग्री। वहीं अगर हम 2 मार्च की बात करें तो वह है 31 डिग्री से 33 डिग्री तक, न्यूनतम तापमान की बात करें तो वह 14 से 16 डिग्री की बात की गई है। वहीं अगर हम 3 मार्च की बात करें तो यह 33 डिग्री रहने की बात कही गई है और न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री है। वहीं अगर हम 4 मार्च की बात करें तो यहाँ 32 डिग्री से 34 डिग्री तक तापमान रहने की बात कही गई है और न्यूनतम तापमान जो है 15 से 17 डिग्री है। इसमें भी कोई बड़े बदलाव, यानी कि आगे के 2 दिनों तक कोई बड़े बदलाव होने की बात नहीं कही गई है। वहीं अगर हम अगले क्षेत्र की बात करें तो यह है उत्तर पूर्वी बिहार। उत्तर पूर्वी बिहार में जिन जिलों का जिक्र किया गया है वो है सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। इसमें भी चेतावनी के रूप में कोई नई चेतावनी नहीं दी गई है। और उसके साथ ही अगर हम तापमान की बात करें तो 1 मार्च का जो तापमान है वह 29 डिग्री से लेकर 31 डिग्री तक, उसके साथ ही अगर न्यूनतम जो तापमान है वो है 18 से 20 डिग्री। वहीं अगर 2 मार्च की बात करें तो यह 29 डिग्री से 31 डिग्री तक तापमान अधिकतम तापमान की बात की गई है और न्यूनतम तापमान जो है 16 डिग्री से 18 डिग्री। अगर हम 3 मार्च की बात करें तो यह है 29 डिग्री से 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान होगा और न्यूनतम तापमान जो है वह 16 से 18 डिग्री तक होगा। अगर हम 4 मार्च की बात करें तो यह भी 29 डिग्री से 31 डिग्री तक तापमान होगा जो कि अधिकतम होगा और न्यूनतम जो तापमान है वह 16 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होगा। और आगे के 2 दिनों के जो अपडेट डाले गए हैं उसमें भी कहा गया है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, यानी कि जिस तरह से हम तापमान देख रहे हैं वही तापमान होगा। वहीं अगर हम अगले क्षेत्र की बात करें तो यह दक्षिणी पश्चिमी बिहार का इलाका है और यह है, इनके अंदर जो जिले आए हैं वह है बक्सर, शेखपुरा, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और भभुआ। और इसमें जो चेतावनी दी गई है उसमें भी कहा गया है कि कोई नई चेतावनी नहीं है और तापमान में जो वृद्धि है वो अब तक जितने जिले थे उसमें ज़्यादा, यानी कि 32 डिग्री से 34 डिग्री तक के तापमान हो सकते हैं 1 मार्च को और इसका जो न्यूनतम तापमान है वो 17 से 19 डिग्री का होगा। वहीं 2 मार्च की बात करें तो 31 डिग्री से 33 डिग्री तक का तापमान होगा और न्यूनतम तापमान जो है 15 से 17 डिग्री का होगा। वहीं अगर हम 3 मार्च की बात करें तो यह 32 डिग्री से 33 डिग्री तक तापमान होगा और न्यूनतम तापमान जो है
15 से 17 डिग्री का होगा। अगर हम 4 मार्च की बात करें तो यहाँ भी तापमान जो है 31 डिग्री से 33 डिग्री तक होगा और न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री का होगा। इसमें भी आगे के दो दिनों तक कोई बड़े बदलाव की बात नहीं कही गई है। दक्षिणी मध्य बिहार की अगर हम बात करें तो इसके तहत आने वाले जिलों में है पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा। इसमें अगर चेतावनी की बात करें तो चेतावनी में भी यह कहा गया है कि कुछ कोई नया अपडेट, बड़ा अपडेट नहीं है। और अगर हम इसके अगर 1 मार्च के तापमान की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है 32 से 34 डिग्री तक रहने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री बताई गई है। 2 मार्च की बात करें तो 31 डिग्री से 33 डिग्री तक बताया गया है जो अधिकतम तापमान होगा और न्यूनतम तापमान जो है वह 15 से 17 डिग्री की बात कही गई है। अगर हम 3 मार्च की बात करें तो 31 डिग्री से 33 डिग्री तक तापमान रहने की बात है, वहीं न्यूनतम तापमान जो है 15 से 17 डिग्री की बात की गई है। 4 मार्च के अगर हम अपडेट को देखें तो यह 31 डिग्री से 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान होगा और न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम आगे के दो दिनों का अगर हम देखें मौसम विभाग के इस अपडेट को तो उसमें कहा गया है कि कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। अगर हम दक्षिणी पूर्वी बिहार की बात करें तो इसके तहत आने वाले जिलों में कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया है। वहीं अगर हम इसके तापमान की बात करें और इसके साथ ही अगर हम चेतावनी की बात करें तो चेतावनी में भी जिस तरह से हमने पहले कहा था कि चेतावनी में कोई बड़े अपडेट नहीं दिए गए हैं, उसके साथ ही अब हम अगर हम 1 मार्च की बात करें तो 1 मार्च का जो अधिकतम तापमान होगा वो 33 डिग्री से 35 डिग्री तक है और इसका जो न्यूनतम तापमान है वह 19 डिग्री से 21 डिग्री तक। वहीं अगर हम 2 मार्च की बात करें तो यहाँ 32 डिग्री से 34 डिग्री तक तापमान रहने की बात कही गई है और इसका जो न्यूनतम तापमान होगा 17 डिग्री से 19 डिग्री का होगा। 3 मार्च को अगर हम बात करें तो यहां का जो तापमान है वह 31 डिग्री से 33 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री तक का है। अगर हम 4 मार्च की बात करें तो यह तापमान जो होगा वह 32 डिग्री से 34 डिग्री का होगा और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री का है। आगे के दो दिनों का हाल के रूप में अगर मौसम विभाग ने कहा है कि पहले की तरह जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। तो हम एकाएक अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर जो है औसतन रहने की बात कही गई है इस पूरे सप्ताह में। तो मौसम विभाग से जुड़े हुए और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।